हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, पद वृद्धि के लिए लगातार संघर्ष जारी है। सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो, संयुक्त काउंसलिंग हो, इसके लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। हमारे श्री रंजीत गौर जी, जमीनी स्तर की टीम लगातार प्रयासरत है। दोस्तों, आज की अपडेट में लेकर आया हूँ, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक इस मुहिम की अपडेट पहुँचनी चाहिए, ये दायित्व तो आप सभी का है। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, पद वृद्धि के साथ दोनों विभागों से संयुक्त काउंसलिंग कराने की मांगों को लेकर आज 29 सितंबर 2022 को बालाघाट NUYU एवं अन्य बेरोजगार संगठनों के साथ MP टेट पात्र अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। जो अभ्यर्थी हैं छाया राम टेके, उन्होंने भी पद वृद्धि के लिए मांग रखी है दोस्तों, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या आंसर दिया दोस्तों, वो भी आपको सुनना चाहिए। सभी को भर्ती की मांग कर रहे हैं। खासतौर की मैं अपनी शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग एक और वर्ग दो में पद वृद्धि के लिए मांग कर रही हूँ, जिसमें अपने पदों में विज्ञान विषय से 50 पद, सामाजिक विज्ञान से 60 पद और अपना हिंदी से 100 पद ही आए हैं, जिसमें हम पद वृद्धि के साथ में सेकंड काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। तो अभ्यर्थी छाया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने बात रखी है दोस्तों, और मैं पूरे फुटू आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचाएं दोस्तों, जिससे कि हमारी इस मुहिम को बल मिल सके। जैसे कि दोस्तों आप स्वयं देख रहे हैं, हमारी बहनें और भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं पद वृद्धि को लेकर। दोस्तों एक ही मांग कि जो उपेक्षित विषय हैं उनके पद ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, और जो सब्जेक्ट हैं जितने भी पद खाली हैं वो सभी भरने चाहिए, संयुक्त काउंसलिंग होने चाहिए, और सेकंड काउंसलिंग में पद वृद्धि के साथ सभी पद भर जाएं, जिससे कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल सके दोस्तों, क्योंकि बिना शिक्षक के शिक्षा कैसे दी जाएगी, ये भी एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह है दोस्तों। एक शिक्षकीय शाला बहुत जगह और कहीं तो शिक्षक ही नहीं है। तो दोस्तों हमारे जो भाई बहन है वो लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आप सभी भी इसके लिए लगातार सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। कुछ वीडियो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे जुड़ी और अपडेट मिलेगी डेफिनेटली मैं आपके पास लाता रहूँगा दोस्तों। आप सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं यही बात कहूँगा कि जितना जल्दी आपकी सेकेंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो, उतना ही सभी को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस मुहिम को सपोर्ट करें, धन्यवाद।